बसमिल्लाम मैं उम्र से वापस आ रही थी लेकिन मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया था मैं हैरान हुई कि यह क्या मामला है खैर अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ गई थी तो उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया था घर में दाखिल हुई तो अंदर से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी मेरा पोता मेरे पास भागते हुए आया और कहने लगा कि बाबा आ गए बाबा आ गए उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसका बाप तब तो इस दुनिया में नहीं था पर वो बार बार कह रहा था कि दादी बाबा आ गए बाबा आ गए मैंने कहा बेटा तेरा बाप अब कभी नहीं आएगा इतना कहकर मैं उसे अपने सीने से लगाए घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने मेरी बहू भी बैठी थी जो अभी इद्दत में ही थी पर उसे देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था और ऐसे तैयार हुई थी कि जैसे सुहागन हो मैंने कहा हालिया ये क्या कर रही हो तुम तुम्हारे शोहर को इस दुनिया से गए अभी तीन महीने नहीं हुए और तुम ये रंग और शोक लिबास पहनकर बैठ गई बेटा इस तरह उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी उसने कहा रूह को तकलीफ तो जब पहुंचेगी ना जब रूह होगी वो तो जिंदा है मैंने कहा क्या मतलब कैसी बातें कर रही हो तो वो कहने लगी हसीब जिंदा है वो जिंदा है वो तो वापस आ गया है आपने ठीक कहा था मां की दुआ कबूल होती है आपकी दुआ कबूल हो गई अम्मी मेरा शौहर वापस आ गया उसको देखकर मेरा दिल बैठ गया मुझे लगा वो बेचारी अपने शौहर के गम में पागल हो गई है लेकिन जब मैं यहां से गई थी तब तो वो ठीक थी अचानक से उसे क्या हो गया दरअसल मैं उम्र पे गई थी और मैंने सुना था कि खाना काबा को देखकर सबसे पहले जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है और मैं अपने दिल में एक दुआ लेकर गई थी ऐसी दुआ जो एक माँ के दिल में ही हो सकती थी उस माँ के दिल में जिसका इकलौता बेटा था और उसको भी जिसने मन्नतों और मुरादों से हासिल किया पर वो भरी जवानी में इस दुनिया से चला गया मेरी दुआ कबूल होने वाली नहीं थी शायद मैंने जिद लगा ली थी और इस जिद का नतीजा अच्छा निकलने वाला नहीं था ऐसी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं हम जानते हैं कि जो इस दुनिया से एक दफ़ा चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता और मैं एक माँ थी और औलाद के मामले में माँ ना सिर्फ ज़िद्दी होती है खुशीली होती है बल्कि कभी कभी हद से ज़्यादा जज्बाती और कभी कभी दीवानी भी हो जाती है शायद मैं भी दीवानी ही हो गई थी जो मैंने ऐसी दुआ मांगी थी मैं ये सोच कर गई थी कि खाना काबा पर नज़र पड़ते ही मैं अल्लाह से अपने बेटे को वापस मांग लूँगी अल्लाह से कहूँगी कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दें मेरा जवान जहाँ बेटा मुझे वापस दे दे कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि यह होने वाला नहीं है पर मैंने यही किया था मैं जैसे ही खाना कहबा में दाखिल हुई मैंने कदम रखा सामने का मंजर बड़ा रूह परवर था मेरे दिल से यही दुआ निकली कि मेरे रब मेरी औलाद को मेरी गोद में वापस डाल दे मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाए जबकि मेरे बेटे को इस दुनिया से गए हुए अभी सिर्फ ढाई महीने ही हुए थे हम लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं थे लेकिन उम्रे पर जाने का मेरा टिकट निकला था यह कुरानदाजी मोहल्ले की कमेटी में हुई थी जब मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो मैं उसके गम में मुबतला थी मेरी हालत बहुत बुरी थी सब ने कहा कि अल्लाह के घर से बुलावा आया है तो चले जाओ तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा इसीलिए कमेटी में नाम निकलने वाले कुछ लोगों के साथ मैं चली गई थी वापस आई तो घर का माहौल अजीब सा लग रहा था पहले ये बात अजीब कि कोई मुझे लेने ना आया दूसरी ये बात कि मेरे बेटी की औलाद कह रही थी कि बाबा वापस आ गए और अब उसकी बीवी की ये हालत देख कर दिल खून के आंसू रो रहा था कैसा समझाती मैं उसको कि खुदा से तेरा सुहागी तो मांगने गई थी लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो कभी वापस नहीं आएगा मैं आगे बढ़ी तो मेरा भाई पागलों की तरह भागता हुआ मेरे पास आया और मेरे बेटे के कमरे की तरफ इशारा करने लगा दरअसल ये मेरा ऐसा भाई था जिसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि ये बोल नहीं सकता था हम सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे घर में ही रहता था बेचारा बोल नहीं सकता था लेकिन कहते हैं ना कि घर के मर्द का तो जूता भी काफ़ी होता है बस यही है हमारे घर का मर्द था मेरे बेटे के जाने के बाद हमें उसी का सहारा था वो अजीब गरीब इशारे कर रहा था उसकी आंखों में डर था पता नहीं क्या कहना चाहता था बोल नहीं सकता था लेकिन मुझे उसके इशारों की समझ आती थी पर आज मुझे उसकी कोई समझ नहीं आ रही थी मुझे उस कमरे की तरफ इशारा कर रहा था मैं उधर जाने लगी तो उसने मुझे रोक दिया और कहा कि नहीं नहीं उधर नहीं जाओ वो बोलता नहीं था पर उसके इशारे ही उसकी ज़बान थी पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था कि सब लोग मुझे वहाँ जाने से रोक रहे थे जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्या यह मुमकिन था क्या मैं कोई ख्वाब देख रही थी लेकिन यह ख्वाब नहीं हकीकत थी क्योंकि मेरे सामने मेरा अपना ही मुझे मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत थी मेरा एक ही बेटा था जवान खूबसूरत लेकिन वक्त ने उसके साथ बहुत बुरा किया कि उसे अचानक ही एक बहुत ही बुरी बीमारी हो गई जिसमें उसका आधा वजूद बेजान होकर रह गया हमें नहीं पता कि उसके लिए बीमारी का इलाज क्या था वजह क्या थी डॉक्टर्स के पास लेके गए उन्होंने कहा कि लाखों लोगों में से किसी एक को ये बीमारी हो जाती है और कब और कब ठीक हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता मेरे बेटे की ये बीमारी उसकी शादी से दो हफ्ते पहले हुई थी और शादी में सिर्फ दो हफ्ते रह गए थे जब उसकी बीवी के बारे में सोचती थी तो परेशान हो जाती थी कि उसको ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगी क्योंकि निका तो हम लोग पहले ही करवा चुके थे अब लोग रह गई थी तो वो मेरे बेटे की बीवी ही थी लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी खातून थी जब उसको ये बताया तो उसने कहा कि ये तो मेरा शौहर है और इसको जो भी बीमारी है मुझे इस बीमारी के साथ ही कबूल है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के निकाह में चले गए हैं अब आखिरी सांस तक मेरा फ़र्ज है कि मैं इसका साथ निभाऊँ मुझे मेरी बहू की ये सोच बहुत अच्छी लगी और उस बीमारी के साथ ही हम लोग अपनी बहू को रुखसती करवा के तो ले आए थे लेकिन पता नहीं अब उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली थी मेरा बेटा बहादुर और बहुत साबित क़दम था उसने कहा कि अम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है मैंने एक दिन ठीक होना है लेकिन इसी तरह से एक साल गुजर गया हम सब तो उम्मीद ही हार बैठे थे फिर अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा ठीक होने लगा और अब उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई उसने कहा कि अम्मी मुझे जहाद पे जाना है मैंने कहा कि जहाद कहाँ हो रहा है तो उसने कहा इस दुनिया में हो रहा है बहुत सी जगह हो रहा है मैं जाना चाहता हूँ मुझे जाने दें मैंने कहा तुम मेरे इकलौते बेटे हो मैं तुम्हें नहीं भेज सकती अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसने कहा अम्मी अल्लाह अपने ख़ास बंदों से ही कुर्बानी मांगता है मुझे कुछ नहीं होगा ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है मैं और तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ आप मुझे जाने दें मैं उसे नहीं भेजना चाहती थी तो वो चोरी चोरी चला गया इस दौरान उसकी बीवी के यहाँ औलाद भी होने वाली थी लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी उसकी बीवी भी परेशान हुई कि अम्मी पता नहीं क्यों ये अचानक से ही प्लान बनाकर बैठ गए और कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है मेरा बेटा दो दिन से गया हुआ था लेकिन फिर उसने फ़ोन किया और कहा कि जिस जगह मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गया हूं। अल्लाह का शुक्र है आप लोग परेशान नहीं हो मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब वो हफ्ते में एक दफ़ा फ़ोन तो कर देता था लेकिन हमें उसकी बहुत याद आती थी हर माँ को ही अपनी औलाद से मोहब्बत होती है लेकिन मुझे अपने बेटे से ज़्यादा ही मोहब्बत थी क्योंकि मुझे पता था कि उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और था ही क्या वो मेरी जान है मेरा बेटा है मेरा एक ऐसा रिश्ता जो मेरा अपना है मेरा सगा खूनी रिश्ता है मेरा शोहर भी इस दुनिया में नहीं था मेरे माँ बाप भी जा चुके थे मेरे बहन भाई सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर मुझे भूल चुके थे कभी फ़ोन भी नहीं करते थे उनके साथ तो मामला ऐसा हो गया था कि कहते हैं कि कोई आपकी खुशी में ना आए तो गम में तो आ जाए लेकिन वो लोग तो ऐसे हो गए थे कि उन्होंने खुशी में भी नहीं आना था और गम में भी नहीं आना था अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे बेटी की बहुत याद आती थी दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी उसकी बीवी भी ऐसी थी उसे भी अपने शोहर से बहुत मोहब्बत थी अल्लाह ने उसको बेटे से नवाजा लेकिन मेरा बेटा उस टाइम भी नहीं आ पाया मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी औरत जब इतनी तकलीफ में होती है तो वो ये सोचती है कि उसके शोहर को उसके साथ होना चाहिए कम से कम उसे आ जाना चाहिए था पर वो नहीं आया और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था हम सब बड़े परेशान थे कि मामला क्या है इसी तरह एक महीना गुजर गया लेकिन उसका फ़ोन तक नहीं आया हमारे पास सिर्फ उसका एक ही नंबर था हम बार बार उस नंबर पर फ़ोन करते थे मैं दिन में सौ डेढ़ सौ दफ़ा कॉल्स किया करती थी मैं बैठी यही करती रहती थी कभी तो उठा लेगा बैल तो जाती थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था दो तीन दिन के बाद फ़ोन पावर ऑफ आने लगा जैसे किसी ने फ़ोन बंद कर दिया अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था वो कहाँ गया था उसने कभी नहीं बताया था इसी तरह तीन महीने गुजर गए तीन महीने मुझ पर बड़े भारी थे लेकिन फिर तीन महीने के बाद एक शख्स का फ़ोन आया उसने कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया है हम बहुत मजबूर हैं बस आपको ये खबर ही सुना सकते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है ये ख़बर हमारे घर में क्यामत बनकर गिरी थी मेरी बेटी की बीवी और हम लोग गम से निढाल हो गए थे बहुत रोए बहुत तड़पे बस उस दिन से मैंने दिल में ये दुख बिठा लिया था और मैं चाहती थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए मैंने उसे वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया एक दफ़ा तो मैं एक शख्स के पास चली गई जो कि एक आमिल था मैंने कहा कि कुछ लोग मरने के बाद भी तो वापस आ जाते हैं जिनको हम रूह और भूत कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की रूह से बात कर सकूं, उससे पूछ सकूं कि उसके साथ क्या हुआ था क्या वो तकलीफ में था कहाँ चला गया था हमसे मिलने क्यों नहीं आया उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के मुझसे कुछ पैसे भी ले लिए और उल्टे सीधे अमल करने के लिए कहा उसने कहा कि आपका बेटा आपको ख्वाब में आएगा लेकिन मेरा बेटा मुझे ख्वाब में भी नहीं आया मैं रोज़ उसके बारे में सोचती थी अल्लाह से दुआ करती थी कि और कुछ नहीं तो मुझे ख्वाब में ही आके मिल जाए बेचैन माँ को सुकून आ जाएगा लेकिन वो मेरे ख्वाबों में भी नहीं आता था बस फिर बहुत परेशान होकर मैं अल्लाह का घर देखने के लिए चली गई और वहाँ जाकर मैंने जैसे ही खाने काबा की हदूद में कदम रखा और सामने मेरी नज़र पड़ी मैंने ये दुआ मांगी कि मेरे रब मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस कर दे मेरा बेटा खोया नहीं था वो इस दुनिया से चला गया था फिर भी मैंने ये दुआ मांगी कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दे क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही आप काबे की तरफ देखते हैं और जो भी दुआ मांगते हैं वो दुआ पूरी हो जाती है कहते हैं पहली दुआ कभी खाली नहीं जाती लेकिन ये भी तो अल्लाह का वादा है कि जो एक बार मर जाए वो वापस नहीं आता फिर भी मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी और अब जब मैं घर में दाखिल हुई और मैंने उसके कमरे के अंदर का मंजर देखा तो हैरान रह गई मेरी आंखें धुल्लाने लगी मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं बेहोश हो गई जब मुझे होश आया तो मैंने कहा वो मैं बोलने लगी तो मेरी बहू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा हम्मी आप ठीक तो हैं मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा बेटा मेरा बेटा उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई थी मुझे यही याद नहीं कि मैंने अस्पताल में कितने दिन गुजारे थे शायद दो या तीन दिन गुजारे थे लेकिन अस्पताल में पता नहीं चलता कि वक्त कैसा गुजर रहा है न दिन का पता चलता है न रात का जब मैं घर आई तो मुझे मेरे कमरे में लेकर चले गए मेरा पोता मेरे पास बैठा था और मेरी बहू भी मैंने अपनी बहू को देखा तो मैं थोड़ी हैरान हुई उसने चेहरे पर मेकअप लगा रखा था लेकिन वो तो एक बेवा थी और मेरे बेटे को गए अभी चार महीने भी नहीं हुए थे मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसने मेकअप क्यों किया है किस लिए सजी संवरी फिर रही है तो आज उसने जरा शोक रंग के कपड़े भी पहने हुए थे लेकिन मैं उससे सवाल न कर सकी मुझे मेरी तबीयत इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी डॉक्टर ने कहा था कि मैंने बहुत बड़ा सदमा लिया है इसीलिए मेरे सामने कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे मुझे टेंशन हो या जिससे मैं अचानक से हैरान हो जाऊं और मुझे फिर से कोई सदमा मिल जाए क्योंकि मैं दो दफ़ा बेहोश हुई थी और यह आम बात नहीं थी क्यों इंसान का चलते फिरते बेहोश हो जाना आम बात होती भी नहीं है इंसान तभी बेहोश होता है जब उसके जिसम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली या कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है बेहोश होना एक बहुत अलार्मिंग हरकत है मेरी बहू जब उठी तो मैं हैरान रह गई उसके पैरों से पायल की आवाज़ आ रही थी दरअसल मेरे बेटे को बारीक सी पायल की आवाज़ बहुत पसंद थी और वो अपनी बीवी के लिए पायल लेकर आया था वो पूरे घर में छन छन करती फिरती थी मेरे बेटे की सुहागन उसकी खुशी उसकी ज़िंदगी उसे देखकर मैं भी बहुत खुश होती थी वो थी भी बहुत खूबसूरत लेकिन जब मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो उसने पायल उतार दी थी पर आज वो ये पायल पहनकर क्यों फिर रही थी अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था भूल गई मेरे बेटे को उसकी मोहब्बत को उसकी बेवा नहीं बनेगी उसके गम में आंसू नहीं भाएगी कहते हैं कि अगर बेवा अपने शोहर के लिए बेवगी काटती है तो उसके शोहर को आखरत में ज़्यादा सवालत से रियायत मिल जाती है पता नहीं कितना सच है लेकिन ये क्या ये तो सब कुछ भूल भाल के सजी हुई फिर रही थी अब मुझे गुस्सा आने लगा वो कहने लगी अम्मी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ आपने काफ़ी दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया उसने भी महसूस कर लिया था कि शायद मैं नाराज़ हो गई हूँ थोड़ी देर के बाद वो खाना सजा कर ले आई तो मुझे और गुस्सा आने लगा ये सारा खाना तो हसीब की पसंद का था मैंने सबको कह दिया था कि इस घर में हसीब की पसंद का खाना नहीं बनेगा उसके बग़ैर हम उसकी पसंद का खाना कैसे खा सकते हैं मैं जब भी उसकी पसंद का खाना बनाती थी वो मौजूद होता था और ख़ुशी खुशी खाता था सबसे पहले मैं उसे देती थी अब वो नहीं था तो हम उसकी पसंद का खाना खाते तो ऐसा लगता कि हम तो खा रहे हैं लेकिन वो नहीं खा रहा तो मुझे बहुत बुरा लगता फिर ये बिरयानी कोरमा ये शाही टुकड़े क्यों कर बनाए गए थे मेरे भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी पता नहीं ये सब लोग इतने खुश क्यों थे मैंने तो जो मंजर देखा जिसकी वजह से मुझे सदमा हुआ वो ये था कि मेरा बेटा सामने कफन में लिपटा खड़ा है कमरे में दाखिल हुई मैंने उसे दो तीन सेकंड के लिए देखा और फिर मैं बेहोश हो गई जितना बुरा मंजर था तो मैं ये खाना नहीं खा सकती थी मैंने कहा कि मुझे ये खाना नहीं खाना दिल तो कर रहा था कि उन सबको डांट दूँ और उनको कहूं कि ये क्या हरकतें लगा रखी हैं लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर मैं बहुत बेहाल थी उन्होंने कहा कि आप सो जाएँ शाम हो गई है तो मैं उठकर बिस्तर में लेटी ही थी ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पाँव दबा रहा है मैंने सोचा कि ये मेरी बहू होगी क्योंकि वो इतनी बुरी नहीं थी मेरे पाँव दबा दिया करती थी और वैसे भी मैं बीमार थी मैंने उसकी तरफ देखा नहीं बस वो बैठी मेरे पाँव दबा रही थी मैंने अल्लाह से बहुत दिल से दुआ मांगी थी लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कैसे दुआ कहाँ कबूल हो सकती है बेटी की बहुत याद आती है लेकिन तुम क्यों तैयार होकर फिर रही हो तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं आंखें बंद किए रो रही थी कि वो मेरे सर पर हाथ रखकर बैठी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी मैंने अचानक से आंखें खोली तो सामने का मंजर देख हैरान रह गई ऐसा लगा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई है मेरे दिल ने एक झटका खाया मैं अजीब सी हालत में आ गई उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और कहा कुछ नहीं हुआ मैं यही हूं सब कुछ ठीक है जब यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो ऐसा लगा कि जैसे मैं मौत से वापस आ गई हूं जैसे यह कोई ख्वाब है आसपास कोई नहीं था लेकिन ये ख्वाब टूट क्यों नहीं रहा था मगर ये ख्वाब था तो ये वही ख्वाब था जिसका मुझे इंतज़ार था क्योंकि मेरे सामने मेरा बेटा बैठा हुआ था मैंने कहा मैं तुझे ख्वाब में देखना चाहती थी मैं चाहती हूं कि यह ख्वाब कभी भी ना टूटे मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमा उसको आंखें भर भर कर देखने लगी ऐसे देखने लगी क्या जैसा दोबारा देखने को कभी ना मिलेगा और बात तो कुछ ऐसी ही थी लेकिन वो मुस्कुरा रहा था उसने कहा अम्मी ये ख्वाब नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं दो दिन पहले ही वापस आ गया था लेकिन आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि आपको सदमा नहीं देना मुझे अभी भी यही लग रहा था कि यह ख्वाब है मैंने कहा बस तू बोलता रहे तू बोलता रहे जो भी बोल रहा है मैं सुनती रहूंगी मैं उसकी आवाज़ सुन रही थी उसे देख रही थी उसे महसूस कर पा रही थी बस इससे अच्छा ख्वाब और क्या हो सकता था लेकिन ये खाब तो टूट ही नहीं रहा था थोड़ी देर के बाद मेरी बहू भी कमरे में आ गई मेरा भाई भी और मेरा पोता भी मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह खाब नहीं हकीकत है वो भी रोने लगा वही मेरे पांव दबा रहा था मुझे मेरी बहू ने कहा यह सच है ये वापस आ गए हैं अब मुझे एहसास हुआ कि वो क्यों तैयार होकर फिर रही थी उसने क्यों पायलें पहनी थी क्यों आज घर में हसीब की पसंद का खाना भी बना था क्या ये सच था मैं उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी उसने कहा अम्मी मैं जिस जगह पर गया था वहाँ मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया था अब मैं बुरी तरह फंस गया था मेरा अपने लोगों से भी रहा ख़त्म हो गया था मेरा फोन भी टेंट में ही रह गया था आपको जिसने ये खबर बताई कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ उसको ख़ुद नहीं पता था कि मैं ज़िंदा हूं या नहीं मैंने जाने कितने दिन जिंदगी और मौत से लड़ता रहा अपने आप को किसी तरह बचाकर आप सब तक वापस आना चाहता था लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मुझे वापसी का रास्ता मिल गया मेरी हालत बहुत बुरी थी इसीलिए मैंने कुछ दिन आराम किया मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मुझे ऐसी हालत में देख डर जाते इसीलिए कुछ दिन अपने आप को नॉर्मल किया मुझे पता था कि मेरे बगैर आप लोगों का क्या हाल होगा आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ और ये दुख आप लोगों के लिए बहुत बड़ा था मुझे जल्द अज जल्द इस दुख को कम करना चाहिए था लेकिन अगर आप लोग मेरी हालत देख लेते तो और भी परेशान हो जाते इसीलिए थोड़े दिन आराम करने के बाद आया हूँ आया तो पता चला कि आप उम्र पर गई हुई हैं लेकिन आज ही आपकी वापसी है इसीलिए आपको हैरान करने की खातिर पर्दे के पीछे छुपा हुआ था जैसे ही आपने अंदर कदम रखा तो मैं पर्दे के पीछे से निकला और सफ़ेद पर्दा मेरे सर पर आ गया आपको ऐसा लगा जैसे अल्लाह ना करे मैं कफन में, में हूँ आप बेहोश हो गई बस उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इतनी बड़ी ख़बर इनको आहिस्ता आहिस्ता ही दीजिएगा बेटी की मौत का दुख भी बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर ये ख़बर कि जो इस दुनिया से गया वो वापस आ गया है ये भी एक अजीब किस्म का झटका है जो इंसान को घुमा के रख देता है बस इसीलिए हमने आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब कभी वापस नहीं जाऊँगा मेरे बेटे ने जब ये सारी बातें की तो मैं हैरान रह गई उसे गले से लगा लिया और उससे वादा लिया कि कभी भी वापस जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं अब वो मेरे साथ ही रहता है मेरे बेटे का यूं वापस आना एक बहुत बड़ा मुआवजा है और अल्लाह ने अपना वादा निभाया कि जो दुआ मैंने मांगी वो पूरी हुई लोग मेरे पास आते हैं मुझसे ये कहानी सुनते हैं कहानी सुनते सुनते रोते हैं हंसते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को भी ये कहानी सुना रही हूँ कि कैसे मैंने अपने मरे हुए बेटे की वापसी की दुआ मांगी और वो वापस आ गया गो कि वो मरा नहीं था लेकिन हमारे लिए तो मर ही गया था यह ऐसा ही था कि जैसे मेरा मरा हुआ बेटा वापस आ गया था ये बात बड़ी अजीब थी और मेरी ज़िंदगी की हकीक़त है जो भी सुनता है हैरान होता है और उसका ईमान ताज़ा हो जाता है बेशक हमारा मज़हब ऐसा मज़हब है कि इसको किसी दलील की ज़रूरत नहीं है ये तो है ही बेमिसाल अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हां अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ अल्लाह हाफिज